बहुत अच्छा हूँ और फाइनली आई होप कि आप भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अ वॉक थ्रू द फायर और इस चैप्टर को लिखा है एडी स्मिथ ने। एडी स्मिथ जो है वो अपने बारे में ये बताते हैं कि वो 1947 के टाइम में ब्रिटिश आर्मी में एक अफसर थे और अपने आप को हमेशा एक कमज़ोर सैनिक समझते थे। उनको लगता था कि मैं इतना अच्छा आर्मी अफसर या मैं इतना अच्छा आर्मी मैन नहीं हूँ। उसी समय की बात है कि वो एक अभी जब वो डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को तो वो क्या कर रहे हैं, अपने घर में क्लीनिंग कर रहे हैं और क्लीनिंग के टाइम उनको एक पजामा दिखता है। उस पजामे को जब देखते हैं तो उन्हें कुछ याद आता है कि पजामा कहाँ था। पजामा बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल फ्रेश है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बस उसकी मोरिया जो है ना, जो नीचे की तरफ जो मोरिया होती है वो जली हुई है। वो जब उसको देखते हैं तो उसे याद आता है और पुरानी स्टोरी के ऊपर चले आते हैं और पुरानी स्टोरी में उनको याद आता है 1947 के आसपास से वो एक जगह आर्मी में जब लगे हुए थे तब उनकी जो पोस्टिंग थी वो थी बेगमपट। हैदराबाद का एक जगह थी, वहाँ पे बेगमपट करके जो जगह है वहाँ पर थी। और वो एक दिन सिकंदराबाद से बेगमपट की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने देखा, बीच में उन्होंने चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया, फिर वहाँ से वो आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक रास्ता जो है ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक रास्ता उस तरफ से जा रहा था फिरोजगुड़ा की तरफ और एक जा रहा था बेगमपट की तरफ, और सिकंदराबाद से वो आ रहे थे। उन्होंने देखा कि जो रास्ता है फिरोजगुड़ा का, उस रास्ते पर एक आकृति सी पड़ी हुई, एक शेप सा पड़ा हुआ है। वो गए उसके पास, उन्होंने उसको हिला के देखा तो उन्हें पता चला एक बूढ़ा सा आदमी गिरा हुआ है और उसने उसको सीधा किया तो उन्होंने देखा कि उसके मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ है और उसे वो कुछ पूछना चाह रहे थे पर उन्होंने देखा कि वो बेहोश है। जैसे ही उन्होंने उसको सीधा किया और वो उसे कुछ पूछना चाह रहे थे, अपने शब्दों को उर्दू में कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यार उनसे कुछ पूछा जाए, तब तक वो आदमी जो है वो एकदम से उठ खड़ा होता है और वो उनको उनको खुद बोलता है कि कुछ मैं एक एंग्लो इंडियन आदमी हूँ और मुझे कुछ ब्रिटिशर्स ने मार के यहाँ गिरा दिया था, तो मैंने एक नाटक किया कि मैं बेहोश हो जाऊँ और उनको ये पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ, और मुझे पता था कि आप यहाँ ज़रूर आएंगे और आप मुझे यहाँ से बचा लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर गिरा हुआ था। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो इसकी बात को इग्नोर कर देता है और फिर आगे बोलता है। वो आदमी ढूंढता है कि इसको कहीं कुछ हुआ था, तो उसको बोलता है कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ फिरोजगुड़ा तक। तो वो आदमी उसको फिरोजगुड़ा तक छोड़ देता है। जब फिरोजगुड़ा छोड़ ही रहा होता है तब बीच में जो पर्सन है बूढ़ा आदमी जो है वो उससे उसका रुमाल मांगता है, बोलता है कि ये रुमाल आप मुझे दे दीजिए क्योंकि जो खून है उसको पूछ लूंगा और मैं आपको जब वापस हम मिलेंगे तो ये रुमाल मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये चीज़ें जब वो बोलता है तो वो आदमी बोलता है पलटते हुए जो एडिस में, तो पूछते हैं कि ठीक है तो हम वापस कब मिलेंगे, तब तक वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो चुका होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें को रिवाइज करता है और वो वापस अपने बैक टू जो बेगमपट का जो रास्ता था उस पर वापस रिटर्न चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है कि उनका रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट मतलब उनका ट्रांसफर होने वाला है, सॉरी रिटायरमेंट नहीं ट्रांसफर होने वाला है, और वो ट्रांसफर होकर दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं। तो उसी नाइट को उनको पता चलता है कैनेडियन बियर का एक बहुत बड़ा खेप आया हुआ है, कैनेडियन बियर्स का एक बहुत बड़ा वी कैन से जो आप बोलते हैं कैरेट आया हुआ है और उसको वो लोग इन्जॉय करना चाह रहे थे। और तभी एक इंडियन आर्टिस्ट जो एक पेयर होता है वहाँ आ जाता है, जिसका जो हेड होते हैं, जो इंडियन आर्टिस्ट होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं मिस्टर राव, प्रोफेसर राव जो होते हैं वो उनको कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। उसमें पहला जो कारनामा वो दिखाते हैं वो ये करते हैं कि एक लोहे की रोड होती है जो छः आदमी दोनों ब्रिटिशर्स की तरफ पकड़ा के अपने गले में उस रोड को बांध देते हैं। तो ये चीज़ देख के लोग बहुत बहुत हैरान हो जाते हैं। दूसरा उससे बहुत सारे छोटे किस्से बहुत सारे करते हैं, एक बड़ा किस्सा ये भी करते हैं कि वो एक खुद सो जाते हैं और अपनी छाती के ऊपर से एक ट्रक जिसके अंदर सारे सैनिक भरे हुए हैं उसको अपनी छाती के ऊपर से निकाल लेते हैं। ये देखिए भी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब चल रही होती है तब एक तरफ एक बूढ़ा आदमी एक गड्ढा खोद रहा होता है, एक 10 फीट के आसपास का गड्ढा वो आदमी खोद लेता है। फिर जैसे ही पूरा कंप्लीट करते हैं प्रोफेसर राव, तब आदमी बोलता है कि मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो क्या करता है, मैस में से सारे कोयले जो होते हैं अंगारे जो होते हैं उनको उस गड्ढे में भर देता है और उस गड्ढे के एक तरफ जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो आदमी अपने पैर पानी में धोता है और फटाफट से उस कोयले जो अंगारे हैं उसके ऊपर चल जाता है और वापस कंप्लीट करके उस तरफ चले जाता है। और फिर उन सब ब्रिटिश आर्मी जो सैनिक है उनको ये दिखाता है कि देखिए मेरे पाँव में कुछ नहीं हुआ है। फिर ये बोलता है कि मैं यही करना मैं आप लोगों के साथ भी करना चाहता हूँ। तब वो आदमी धीरे से एडी स्मिथ के पास जाता है, मतलब जो राइटर होता है उसके पास जाता है एडी स्मिथ के पास, और उसको रुमाल देता है। एडी स्मिथ समझ जाता है कि ये वही रुमाल है जो मैंने कभी किसी आदमी को दिया था और ये वही बूढ़ा आदमी है जो मेरे को उस समय मिला था। वो उसके साथ चला जाता है और वो आदमी को बोलता है कि तुम सिर्फ आँखें बंद रखना और मेरे कंधे पे हाथ रख के तुम अपने ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश जो खेत हैं या इंग्लैंड में किस तरह रहते हो तुम उसके बारे में सोचना और मैं तुम्हें चला लूँगा। आदमी ऐसे ही करता है, उसके जो सॉक्स होते हैं शूज़ होते हैं निकालता है, जैसा बूढ़ा आदमी पाँव धोता है वैसे ही वो पाँव धोता है और आँखें बंद करके बूढ़ा आदमी कंधे पे हाथ रख लेता है। बूढ़ा आदमी आगे की तरफ चलता है, वो उसके पीछे पीछे चलता है, वापस बूढ़ा आदमी रिटर्न आता है और उसके पीछे पीछे की तरफ रिटर्न आ जाता है। और जब वो अपनी आँखें खुलता है तो वो देखता है कि वो उन अंगारे के ऊपर से गुजर चुका है, निकल चुका है, सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वो बहुत खुश होता है और सारे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको कंधे पर उठा के बहुत मस्ती कर रहे होते हैं।
तब वो देखता है कि यार वो आदमी कहाँ गया जो जिस बूढ़े आदमी ने उसको यहाँ चलवाया, तो वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है, तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। आदमी अगले दिन अपने ट्रांसफर की तरफ निकलता है और जाते वक्त वो फिरोजगुड़ा जाता है और पूछता है उस आदमी के बारे में, पर उसको कुछ पता नहीं चलता है और फाइनली घूम फिर के वापस वो अपने दिल्ली जहाँ उसका ट्रांसफर हो चुका है वहाँ पर जा चुका है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें आपको अगर पता चल चुका होगा कि वो जो पजामा था उसकी मोरिया क्यों जली हुई थी, तो आपको पता चल चुका होगा कि वो आग पे चलने की वजह से जली हुई थी और उस आदमी को वो बहुत से मेसमराइज कर रहा है, पर उसको आदमी मिलता नहीं है। ये थी आज की समरी। तो कैसी लगी आज की समरी आपको, मुझे जरूर लिख के बताएं और प्लीज़ कमेंट ऑन वीडियोस मुझे बताएं। आप लोगों को मेरी वीडियोस में कुछ कमी लग सकती है, बट मैं चाहता हूं आप मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों के लिए रिविज़न जो है वो काफ़ी आसान हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मिलते हैं, गुड बाय।